महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक समारोह के अंतर्गत गुरुवार को महंत दिग्विजयनाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी बास्केटबॉल प्रतियोगिता व महंत अवैधनाथ राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता तीसरे दिन भी जारी रहा, जिसके संबंध में प्राइज मनी प्रतियोगिता के संयोजक कृष्णकांत यादव ने बताया कि इस प्रतियोगिता का तीसरा दिन है, जिसमें फैजाबाद हॉस्टल और लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज के बीच बास्केटबॉल मैच खेला जा रहा है। फाइनल मैच में प्रथम द्वितीय पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिसंबर में संस्थापक समारोह के समापन के अवसर पर प्रथम स्थान पाने वाली टीम के खिलाड़ियों को 75,000 नगद मेडल व प्रशस्ति पत्र, द्वितीय स्थान पाने वाले खिलाड़ी को 50,000 व तृतीय स्थान पाने वाले खिलाड़ी को 35,000 नगद धनराशि देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले टीम के खिलाड़ियों को ट्रैक सूट व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राइज मनी प्रतियोगिता के संयोजक कृष्णकांत यादव ने कहा, मैं कृष्णकांत यादव, अवकाश प्राप्त क्रीडाध्यक्ष महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर, संयोजक वॉलीबॉल बास्केटबॉल प्राइज मनी प्रतियोगिता। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत प्राइज मनी वॉलीबॉल और बास्केटबॉल की प्रतियोगिता परम पूज्य ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के नाम से बास्केटबॉल की प्रतियोगिता और परम पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के नाम से बास्केट वॉलीबॉल की प्रतियोगिता यहाँ आयोजित है। इस समय वॉलीबॉल का यह थर्ड प्लेस के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ और फैजाबाद हॉस्टल के बीच मैच खेला जा रहा है। इस मैच के बाद फाइनल मैच होंगे। फाइनल मैच 1 बजे दोपहर को होगा। सम्मानित भी किया जाएगा जो टीमें यहाँ प्रतिभाग कर रही हैं, समस्त टीमों को परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के द्वारा यह आदेश है कि आप सभी टीमों को प्रोत्साहित करेंगे, सबको पुरस्कृत करेंगे, जिसके अंतर्गत जितनी भी टीमें आई हैं इस प्रतियोगिता के दोनों में, उस सबको ट्रैक सूट के साथ सबको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको पुरस्कार दिया जा रहा है। विजेता टीम को 75,000 रुपये नगद और मेडल ट्रॉफी के साथ पुरस्कृत किया जाएगा और उप विजेता को 50,000 रुपये और मेडल और ट्रॉफी के साथ, और थर्ड प्लेस के लिए 35,000 रुपया नगद और ट्रॉफी और मेडल के साथ पुरस्कृत किया जाएगा।